सीजीआई चंद्रचूड़ वर्सेस सरकार का शिकार बनी महिला जज। सीजीआई की कोशिशों के बाद भी सबीना नहीं बन पाई हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस। क्या चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ करेंगे सरकार का विरोध? कॉलेजियम सिस्टम पर सीजीआई मोदी सरकार आमने सामने है, दोनों के बीच विवाद थमता नहीं दिख रहा। मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट को हद में रहने की चुनौती दे चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार को लक्ष्मण रेखा पार न करने की नसीहत दी। सीजीआई चंद्रचूड़ ने मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था न्यायपालिका में हस्ते बर्दाश्त नहीं, लेकिन फिर भी मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी। कॉलेजियम की सारी मेहनत बेकार हुई, कायदे से जिसे हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनना था लेकिन बिना बने ही उन्हें रिटायर होना पड़ा। ये जस्टिस सबीना कौन है, मोदी सरकार ने उनके साथ क्या किया, हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कॉलेजियम और सरकार के तनातनी की वजह कई जजों का करियर बर्बाद हो गया। रिटायर होने तक जस्टिस सबीना ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर काम किया। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाले कॉलेजियम ने जस्टिस सबीना को हिमाचल प्रदेश का चीफ जस्टिस बनाने के लिए कॉलेजियम की सारी कसरत बेकार साबित हुई। कॉलेजियम और सरकार के बीच की तनातनी में कुछ ऐसे जजों को नुकसान उठाना पड़ा है जो प्रमोशन के सही हकदार थे। हिमाचल प्रदेश का हाईकोर्ट इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है। कॉलेजियम ने जस्टिस सबीना को चीफ जस्टिस बनने का सही हकदार मानकर सरकार को सिफारिश भेजी, लेकिन सरकार ने सिफारिश को ठंडे बस्ते में डाल दिया। 19 अप्रैल को जब रिटायर हुई तब भी सिफारिश पेंडिंग थी। रिटायर होने तक जस्टिस सबीना ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर काम किया। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाले कॉलेजियम ने जस्टिस सबीना को हिमाचल प्रदेश का चीफ जस्टिस बनाने के लिए कॉलेजियम की सारी कसरत बेकार साबित हुई। कॉलेजियम की निगाहों में वो सबसे सीनियर जस्टिस थी, लिहाजा चीफ जस्टिस के पद पर सबसे ज्यादा हक उनका ही बनता था, लेकिन सरकार को कॉलेजियम का फैसला सटीक नहीं लगा। सरकार ने जस्टिस सबीना को परमानेंट चीफ जस्टिस बनाने में कोई रुचि ही नहीं दिखाई। जस्टिस सबीना का करियर कैसा रहा? जस्टिस सबीना का करियर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से शुरू हुआ था। 12 मार्च 2008 को वो इस हाईकोर्ट की एडिशनल जज बनी। 2010 में परमानेंट जज का दर्जा मिला। 2016 में उनको राजस्थान हाईकोर्ट में भेज दिया गया, वहां उन्होंने 5 सालों तक काम किया। 2021 में वो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में ट्रांसफर की गई। जब चीफ जस्टिस की पोस्ट खाली हुई तब जस्टिस सबीना सीनियर मोस्ट थी। हालांकि जस्टिस सबीना अकेला उदाहरण नहीं है जो सरकार और कॉलेजियम के बीच की रस्साकसी का शिकार बनी। उनके अलावा जस्टिस एस मुरलीधर, जस्टिस अकील कुरैशी, जस्टिस टी राजा, जस्टिस के विनोद चंद्रन ऐसे नाम रहे जिनके नाम को सरकार ने मंजूर नहीं किया। जस्टिस के विनोद चंद्रन को पटना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की बात सरकार ने मार्च 2023 में मानी। अब वो रिटायर हो चुकी है। इन्हें भी चीफ जस्टिस कॉलेजियम न बनवा पाया। जस्टिस एस मुरलीधर को जोर लगाकर भी कॉलेजियम मद्रास हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बनवा सका। वो उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। कॉलेजियम ने अब उनकी सिफारिश को ही वापस ले लिया, जिसमें उनको मद्रास हाईकोर्ट भेजने को कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट और मोदी सरकार के बीच तनातनी जारी है, कोई झुकने को तैयार नहीं। क्या आने वाले वक्त में आर पार की लड़ाई होनी तय है, और अगर ये लड़ाई हुई तो फिर जीत किसकी होगी, यह एक यक्ष प्रश्न है।